नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा भारत माता भवन बंथला लोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। डॉक्टरों ने बताया कि लगभग 200 लोगों द्वारा रक्तदान किए जाने की संभावना है। रक्तदान करने के लिए उपस्थित संघ कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रक्तदान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रीराम सेवा समिति के अध्यक्ष मनीष सिंह भी अपने साथियों के साथ उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला गाजियाबाद द्वारा किया गया है। यह हमारा भारत माता भवन यहाँ का केंद्र है। संघ जब से संघ की स्थापना हुई है तभी से देश में कोई भी आपदा आई है उसमें बढ़ चढ़ कर कार्य करता है। इस आपदा में भी संघ के स्वयंसेवक पूरी तरह से लगे हुए थे। अब तक तो राशन वितरण वगैरह पर जोड़ता लोगों के भोजन वगैरह व्यवस्था देखने पर, लेकिन अब मांग आई है ब्लड की, क्योंकि ब्लड की देश में बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हमारे स्वयंसेवक ब्लड देने में लगे हुए हैं और इस कार्यालय पर आज के दिन 150 से 200 के बीच में संख्या स्वयंसेवकों की ब्लड देने रहने वालों की। क्षेत्र की जनता को मैं यहाँ का सहजिला संचालक होने के नाते ये कहना चाहूँगा, बढ़ चढ़ कर सहयोग करें और शासन का सहयोग करें। जो भी शासन की तरफ से गाइडलाइन आ रही है उनका पालन करते रहें और कोरोना पर जीतें। और अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुनीष आर्य है। आज पूरा देश कोरोना की चपेट में, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश की जो संस्कृति रही है वो वसुधैव कुटुंबकम की रीति है और उसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम सबको मिलके इस आपदा को झेलना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे भोजन के रूप में हो, चाहे ब्लड डोनेशन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, हम सबको मिलकर इस आपदा को सहन करते हैं। ये ब्लड डोनेशन जो चल रहा है, लगभग कितने लोगों ने अपना ब्लड डोनेशन किया होगा? जी अभी तक दोपहर के अभी 1:45 हैं, अभी तक 130 स्वयंसेवक ब्लड डोनेट कर चुके हैं और शाम 5 बजे तक ये कैंप चलने वाला है। इसकी संख्या लगभग 200 तक रहने वाली है। संस्था के तहत लगाया गया है, इसमें आज कितना डोनेशन हो पाया ब्लड डोनेशन? 112 के आसपास। 112 लोग, और अभी और चल रहा है? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है और ये तो हमारे कोरोना योद्धा हैं, क्योंकि हमें ब्लड की बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि थैलेसीमिया है, चाहे भी कैंसर के जो लोग हैं उनको ब्लड की आवश्यकता थी और ब्लड नहीं मिल पाना। अमित जो उनके लिए थे रामबाण सबके लिए उनको ब्लड मिल जाएगा विदाउट ब्लड। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे इसमें हेल्प के लिए? यही कहना चाहेंगे कि सब लोग आएँ और ब्लड डोनेट करें, आगे से ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोगों ने पास ही प्रोवाइड कर रखे हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो ऊपर से आदेश आया हुआ लखनऊ से कि आप पास प्रोवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने में दिक्कत ना हो। हम पास प्रोवाइड भी कर रहे हैं। सर, यदि अभी तक आपने नमस्ते भारत चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।